हेलो दोस्तों, आज संडे है और हम लोग कह सकते हैं कि आज डर्बी डे भी है क्योंकि आज मैचेस है लिवरपूल वर्सेस एवर्टन, आर्सेनल वर्सेस स्पर्स, और अगर सीरिया में देखें तो रोमा वर्सेस इंटर। तो आज के मैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही स्पेशल हैं और ये टेबल पे बहुत ही ज़्यादा असर कर सकते हैं। तो चलिए बातें करते हैं फुटबॉल की हिंदी में। और सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस स्पर्स मैच की। 18 मैचेस से अनबीटन आर्सेनल का मुकाबला है स्पर्स से, और जैसा कि हम जानते हैं स्पर्स एक बहुत ही टैलेंटेड यंग टीम है और इस मैच में एरिक्सन की वापसी हुई क्योंकि इंजर्ड थे और पिछले मैच में बेंच से स्टार्ट किया था, और आर्सेनल के लिए लैकेजेट अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी टीम जीतेगी इस मैच को उस टीम का समझिए तो एक तरह से टेबल में वो ऊपर जाएगी और अगली टीम नीचे आएगी, और ये मैच लीग टेबल पे बहुत असर डालेगा क्योंकि दोनों बड़ी टीम है, टॉप फोर के लिए कंपीट कर रही हैं। तो ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टीम के लिए एज वेल एज लीग टेबल के लिए भी। और दूसरा सबसे बड़ा मुकाबला है मर्सीसाइड डर्बी, जिसमें लिवरपूल होस्ट करेंगे एवर्टन को, और ये मैच लिवरपूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैंपियंस लीग में उनका फॉर्म बहुत ही ख़राब चल रहा है। लास्ट तीनों मैच वो हारे हैं, चाहे वो नेपोली से हो, चाहे वो अभी पेरिस सेंट जर्मेन से हो, तो तीनों मैच वो हारे हैं चैंपियंस लीग में। तो प्रीमियर लीग और लीग कप्स, जो उनका डोमेस्टिक कप्स है, वो अब इम्पॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि लिवरपूल के लिए चैम्पियंस लीग क्वालिफाई करना एज़ यूजुअल जो उनका रहता है कि लास्ट मोमेंट पे ड्रामेटिक कमबैक करते हैं, तो वही इस बार भी हो सकता है। और जहाँ तक बात करें एवर्टन की, तो एवर्टन की टीम बहुत अच्छी है, लास्ट सीज़न या उससे पहले वाले सीज़न से बहुत अच्छी हो गई क्योंकि उन्होंने क्वालिटी प्लेयर्स ख़रीदे हैं, और क्लॉप के हिसाब से भी ये डर्बी उनके लिए बहुत टफ होने वाली, इट विल बी हिज टफेस्ट डर्बी टिल नाउ। तो इस हिसाब से देखें तो हमें गोल्स देखने को मिल सकते हैं, कुछ एक्शंस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मर्सीसाइड डर्बी इस चीज़ के लिए फेमस है, और रेड कार्ड्स तो खैर हमेशा उसमें होते ही हैं, किसी ना किसी प्लेयर्स को मिलते हैं। तो इस बार की भी डर्बी बहुत स्पेशल होने वाली है। और बात करें सीरिया की, तो सबसे बड़ा मैच है रोमा वर्सेस मिलान में। रोमा 7th प्लेस पे है और मिलान 3rd प्लेस पे है, और कुछ बड़े नाम इस मैच में गायब रहेंगे, जैसे एडिन जेको, स्टीवन अल शरावी, ये सारे प्लेयर्स गायब रहेंगे रोमा के लिए बिकॉज़ वो इंजर्ड हैं, और मिलान में भी 2 प्लेयर्स इंजर्ड हैं। तो ये मैच इंपॉर्टेंट है रोमा के लिए क्योंकि वो 7th प्लेस पे हैं और उन्हें लीग में ऊपर बढ़ना पड़ेगा अगर वो चैम्पियंस लीग को टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये, और होप करते हैं कि खूब सारे गोल्स हमें देखने। और इंडियन सुपर लीग में 8th प्लेस चेन्नई होस्ट करेंगी, 6th प्लेस कोलकाता को। दोनों ही बड़ी टीमें हैं इंडियन सुपर लीग की, बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों टीमें आउट ऑफ फॉर्म चल रही हैं, और जो एक बहुत ही बड़ी इश्यूज़ है दोनों टीम के लिए। तो ये मैच जो भी टीम जीतेगी वो टीम टेबल में ऊपर बढ़ेगी और उन्हें एक कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि इस साल का कंपटीशन बहुत टफ है। बेंगलुरु FC टॉप कर रही है और उन्हें रोकना थोड़ा मुश्किल है इस बार। तो देखते हैं कौन सी टीम ये मैच जीतती है। और अगर कल के मैचेस की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी ने अपना कब्ज़ा रखा है टॉप ऑफ द टेबल पे, उन्होंने बॉर्नमथ को 3-1 से हरा दिया। और दूसरी तरफ अगर यूनाइटेड की बात करें तो यूनाइटेड की प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना मैच ड्रॉ किया है साउथहैम्पटन के साथ 2-2 से, और ये एक बहुत बड़ा इशू है जोसे मोरिन्हो के लिए क्योंकि देखना ये है कि कब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स वो जोसे मोरिन्हो को टाइम देते, क्योंकि जिस पोजीशन पे यूनाइटेड चल रही है दे डोंट डिजर्व इट, और उन्हें जल्दी कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ लेस्टर सिटी ने वॉटफोर्ड को 2-0 से हरा दिया है। और बात करें लालिगा की, तो लालिगा में स्पेनियोल को गेटाफे के हाथ से एक बड़ी हार झेलनी पड़ी है। गेटाफे ने स्पेनियोल 3-0 से हरा दिया है, तो ये एक प्रॉब्लम है उनके लिए क्योंकि स्पेनियोल अच्छा कर रही थी बट वो अब डाउन हो गई है फिर से।
और उधर रियल मड्रिड ने वैलेंसिया को 2-0 से हरा दिया है, और इसके साथ ही उनके कुछ चांसेस चैंपियंस लीग के लिए बंद रहे, क्योंकि इस साल लगता नहीं है कि रियल मड्रिड ला लीगा की ट्रॉफी के लिए टक्कर दे पाएगी बार्सिलोना को। अभी सेविला अच्छी कर रही है, बट मुझे नहीं लगता कि वो एंड तक टिकेंगे, और बार्सिलोना या फिर एथलेटिको मड्रिड आपको इस साल ट्रॉफी के लिए फाइनली कम्पीट करेंगे लास्ट के 10 गेम्स में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर वीडियो लाइक कर सकते हैं तो लाइक करें, और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपना सजेशन डालें कि हम इस वीडियो को कैसे अच्छा बनाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी आपसे फिर से, और हम लोग बात करेंगे फुटबॉल की हिंदी में, और सिया।